नहीं रहे। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। अरे ये क्या किया साशा, तुमने मेरी ड्राइंग क्यों फाड़ दी? मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। क्योंकि तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। आज खेलते वक्त भी तुमने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया। क्योंकि जब तुम हारती हो तो गुस्सा होकर दोस्तों पर चिल्लाने लगती हो। नहीं, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। अभी तो तुमने गुस्से में मेरी ड्राइंग फाड़ दी। वो तो मैंने। शाइनी, तुम्हारी ड्राइंग का ये हाल कैसे हुआ? मम्मी, साशा ने गुस्से में मेरी ड्राइंग शीट फाड़ दी। ये कल मुझे क्लास में सबमिट करनी है, अब फिर से बनानी पड़ेगी। ड्राइंग बाद में बना लेना, उससे पहले तुम दोनों को एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ, पहले कहानी सुनेंगे। पूरे कसौली कस्बे में कोई भी दरबार जितना ताकतवर नहीं था। दरबार सिंह कस्बे के लोगों को डरा धमका कर उनके पैसे लूट लेता। अगर कोई मना करता तो वो गुस्से में उसकी हड्डियां तोड़ देता था। कहाँ ले जा रहा है, ला दे ये पैसे। नहीं दूंगा। तेरी इतनी मजाल, तूने मुझे मना किया, तुझे मैं मच्छर की तरह मसल दूंगा। कस्बे के सभी लोग दरबार सिंह से बहुत डरते थे। उसी कस्बे में हेमराज नाम का एक गरीब और कमजोर मजदूर अपनी पत्नी बांसुरी के साथ रहता था। हेमराज मील में पत्थर तोड़कर पैसे कमाता था। अगले महीने दिवाली का त्योहार है, लेकिन हमारे पास तो मिठाई बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं दूंगा, काम करूंगा, एक महीने में कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। हेमराज पूरी ईमानदारी से मेहनत करता। दिन भर में उसे जो भी पैसे मिलते उसे आधे खर्च करता और आधे बचा लेता। इन पैसों से हम नए कपड़े भी खरीद लेंगे। एक दिन जब हेमराज काम से वापस लौटा तो दरबार सिंह ने उससे पैसे मांगे। हेमराज ने पैसे देने से मना कर दिया और अपने घर चला गया। दरबार सिंह को हेमराज पर बहुत गुस्सा आया और वो उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गया। हेमराज, तेरी ये मजाल, तूने मुझे पैसे देने से मना किया, तू मेरी ताकत जानता नहीं है, मेरे सामने तू एक चूजा है। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अच्छा। दरबार सिंह ने हेमराज को गर्दन से उठा लिया और दूर फेंक दिया। फिर उसने हेमराज के सारे जमा पैसे छीन लिए और उसकी हथौड़ी भी नदी में फेंक दी। दरबार ने पैसे तो छीन लिए और मेरी हथौड़ी भी नदी में फेंक दी। अब मैं काम कैसे करूँगा? उदास हेमराज नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी से एक देवी प्रकट हुई। हेमराज को रोता देख उसने हेमराज से पूछा, हेमराज, मैं इस नदी में रहने वाली देवी हूँ, तुम मुझे बताओ तुम परेशान क्यों हो? दरबार सिंह ने मेरी हथौड़ी नदी में फेंक दी, अब मैं काम कैसे करूँ? तुम्हारी हथौड़ी के बदले मैं तुम्हें एक जादुई हथौड़ी देती हूँ, ये तुम्हारा सारा काम करेगी। नई हथौड़ी लेकर हेमराज बहुत खुश हुआ और काम पर चला गया। वहाँ दिन भर उसने पत्थर तोड़े और पैसे कमाए। दरबार सिंह ने जब हेमराज को काम करते देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। मैं तो इस निखट्टू की हथौड़ी छीन कर फेंक दी थी, फिर ये नई हथौड़ी कहाँ से ले आया? दरबार सिंह ने फिर से हेमराज का रास्ता रोका और उसके पैसे छीनने लगा। लगता है तू किसी और की हथौड़ी चुरा कर लाया है, चल पैसे निकाल। नहीं दूंगा। लगता है तू पहले की मार भूल गया। नहीं, इस बार मैं हथौड़ी से तुम्हें मारूंगा। इस छोटी सी हथौड़ी से मुझे मारेगा? मारो मारो मारो। हेमराज के बोलते ही जादुई हथौड़ी अपने आप दरबार सिंह के सर पर गिरने लगी। बाप रे, ये हथौड़ी खुद से मेरे पास कैसे आ गई? हाय हाय, मैं मर गया। कितनी जोर से लगी है, रुक रुको,
अरे इस हथौड़ी को रोको, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दरबार सिंह हथौड़ी से डर कर भागने लगा, लेकिन जादुई हथौड़ी उसके पीछे पीछे भागने लगी। मुझे माफ कर दो हेमराज, मुझसे गलती हो गई। तुम अपनी हथौड़ी को वापस बुला लो। मैं वादा करता हूँ अब कभी किसी पर गुस्सा या जबरदस्ती नहीं करूँगा। हथौड़ी सिर पर पड़ते ही दरबार सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया। और मुझे भी मम्मी, मुझे शाइनी की ड्राइंग नहीं भरनी थी। शाइनी, ड्राइंग बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और मम्मी, आज से हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, और अगर कोई करेगा तो उसे ये कहानी जरूर सुनाएंगे। शाबाश बच्चों, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। चलो अब फिर से ड्राइंग बनाते हैं। हाँ चलो। क्लास में रॉनी और बॉबी ने मॉन्टी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, अब बेचारे मॉन्टी को अपने सारे बाल काटने पड़ेंगे। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, दोनों किस बात से परेशान हो? दादाजी, आज जब हम सब ग्राउंड पर खेल रहे थे तो रॉनी और बॉबी ने बेचारे मॉन्टी को बहुत मारा और उसके बालों पर च्युइंगम चिपका दिया। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि मॉन्टी दुबला और कमजोर है, इसलिए रॉनी और बॉबी मॉन्टी को रोज परेशान करते हैं। लेकिन आज शाइनी ने उन दोनों लड़कों की शिकायत स्पोर्ट्स टीचर से कर दी और टीचर ने उन दोनों लड़कों को पनिश किया और मॉन्टी से सॉरी बोलने को कहा। अरे वाह मेरे बहादुर बच्चों, तुम दोनों ने मॉन्टी की मदद करके सच में बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक और बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, जादुई कंघी की कहानी। जादुई कंघी, ये नई कहानी सुनेंगे। दूर शहर में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी बहुत ही शांत और समझदार थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसके सर पर बहुत कम बाल थे, जिसकी वजह से उसकी सारी सहेलियां उसका मजाक बनाती थीं। रानी के सर पर तो बाल ही नहीं है, रानी थोड़े दिन में गंजी ही हो जाएगी। रानी अपनी सहेलियों के उपहास को चुपचाप सहन करती थी, फिर भी हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती थी। अरे मैं तो बॉल घर पर ही भूल गई, अब कैसे खेलेंगे? ये लो, मेरे पास दूसरी है। रानी के अच्छे बर्ताव के बावजूद उसकी क्लास की सभी लड़कियां उससे दूर ही रहती थीं। वो सब साथ में खाना खाती, पढ़ती और खेलती, लेकिन रानी अकेली ही रहती थी। एक दिन रानी एक कोने में बैठकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कोई भी लड़की मुझसे दोस्ती नहीं करती। तभी रानी को किसी की आवाज सुनाई दी। मत रो रानी। रानी ने जब सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक चमकीली कंघी थी और वो आवाज उस कंघी से आ रही थी। तुम कौन हो? मैं जादुई कंघी हूँ। तुम्हारे अच्छे काम से खुश होकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कंघी को बोलता देख रानी हैरान हो गई। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? मेरे कम बालों की वजह से मेरी
सारी लड़कियाँ मेरा मजाक बनाती हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रानी उस कंघी को घर ले आई और उससे अपने बाल बनाने लगी। अकेले में अक्सर कंघी से अपने मन की सारी बातें भी कर लिया करती थी। पता है कंघी, आज क्लास में टीचर ने टेस्ट लिया था और मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। अरे वाह! लेकिन फिर भी क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए। जादुई कंघी ने रानी की सारी परेशानी ध्यान से सुनी। धीरे धीरे जादुई कंघी के इस्तेमाल से रानी पढ़ाई में अव्वल आने लगी और उसके सर के बाल बहुत घने और काले और लंबे हो गए, जिससे वो बेहद सुंदर दिखने लगी। रानी की सफलता देखकर अब क्लास की सारी लड़कियों ने उससे दोस्ती कर ली। वाह रानी, अचानक तुम्हारे बाल इतने घने, लंबे और खूबसूरत कैसे हो गए? रानी ने किसी को जादुई कंघी के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसकी एक सहेली ने उससे जादुई कंघी से बात करते हुए सुन लिया। बोलने वाली जादुई कंघी? अच्छा, तो ये राज है। इस जादुई कंघी की वजह से रानी के बाल इतने सुंदर बन गए हैं। अगले दिन रानी से नजर बचाकर उसकी सहेली ने वो जादुई कंघी चुरा ली और उसकी जगह ठीक वैसी ही दूसरी कंघी रख दी। जब रानी ने जादुई कंघी से बात करी तो कंघी ने कोई जवाब नहीं दिया। जादुई कंघी ने बोलना क्यों बंद कर दिया? ये क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? रानी की सहेली ने जादुई कंघी से जैसे ही बाल बनाए, उसके सारे बाल टूट गए। उसने कांच में खुद की हालत देखी तो वो रो पड़ी। हे भगवान, मेरे बाल! अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? सहेली को रोता देखकर रानी वहां आ गई और उसने जादुई कंघी से विनती की कि उसकी सहेली के बाल उसी तरह घने और सुंदर और काले बना दे। इस बार जब सहेली ने कंघी फेरी तो उसके बाल पहले से भी ज्यादा घने और सुंदर हो गए। रानी की सहेली को उसकी गलती का एहसास हुआ। तुमने मेरी बहुत मदद की है रानी, आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं हमेशा तुमसे दोस्ती निभाऊंगी। रानी, तुम्हारी अच्छी सोच और अच्छे काम की वजह से आज तुम्हें एक पक्की सहेली मिल गई। अब मेरा काम खत्म हो गया, तुम दोनों हमेशा साथ रहना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और ये भी सीखा कि कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, लेकिन हमें हमेशा सबके साथ अच्छा बर्ताव ही करना चाहिए। दादाजी, हम क्लास में सबको ये कहानी बताएंगे ताकि आगे से कोई भी मोंटी के साथ बुरा बर्ताव ना करे। हाँ दादाजी। वाह मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों बहुत समझदार हो। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।